अयोध्या में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नेतृत्व में 3 दिवसीय शरद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की ओर से तैयार की गई रेडीमेड सामग्री का स्टॉल लगाकर महोत्सव में प्रदर्शित किया। वहीं जिला विकास प्रबंधक ने बताया कि यहां ग्रामीण महिलाओं को आगे लाने के लिए उनको स्वयं सहायता समूह से रोजगार का प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें अनेक पदार्थों से निर्मित होने वाले सामानों को बनाना सिखाया जाता है। मेला का आयोजन किया जा रहा है नबार्ड से। नबार्ड का मतलब राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ये ऐसा बैंक है जो ग्रामीण और कृषि विकास के लिए कार्यरत है। तो हम जो है ग्रामीण महिलाओं को समूह के माध्यम से प्रशिक्षण देते हैं, रोजगार प्रशिक्षण देते हैं। उस प्रशिक्षण में उन्हें अलग अलग तरीकों के पदार्थ बनाने सिखाए जाते हैं। तो ये महिलाएं जो मेले में आई, आप देख रहे होंगे कि अलग अलग तरीके का पदार्थ लगाया इन्होंने, चाहे मिट्टी से निर्मित पदार्थ हैं, कुछ गुड़ के पदार्थ हैं, कुछ कपड़े हैं। तो एक मंच हमने इनको दिया है, जिस मंच के माध्यम से ये महिलाएं आई हैं आज बाजार में फैजाबाद में, यहाँ पे अपना उत्पाद बेचेंगी। 3 दिवसीय ये जो है मेले का आयोजन किया गया है, ये 14 से 16 तारीख तक चलेगा। शुभारंभ जो है श्रीमती अनीता यादव जी ने, जो CDO हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। देखना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा प्रयास है सर का, और इससे हमारी जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, इससे थोड़ा प्रेरित हो रही हैं और इच्छुक हो रही हैं। जो घर में लुप्त हुई बैठी महिलाएं थी, वो आगे निकल के इसको देखने के बाद आगे काम करेंगे। इससे मतलब को लगता है प्रेरणा मिल रही है। मेरा नाम मेनका सिंह है। मेरा ये मूज का है, जो लुप्त हो चुकी चीजों का हमने फिर से प्रयोग कर रहे हैं। और ये